हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे कुकिंग ब्लॉग में फ्रेंड आज जो बनाने वाली हूँ तर्रोई की सोखी और बिल्कुल स्वादिष्ट सब्ज़ी और सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया ये तर्रोई तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए तो मैं इसको सबसे पहले छील लेती हूँ तो मैं सभी तर्रोई को छील ली हूँ अब इसको काटूँगी छोटा छोटा तो मैं साफ पानी से धुल कर इसको काट लेती हूँ तो मैं सभी तरोई को इस तरह से काट ली हूँ देख सकते हैं बिल्कुल छोटा छोटा काटी हूँ आपको जिस तरह से पसंद हो उसी तरह से काट सकते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ कढ़ाई और कढ़ाई गर्म हो चुका तो उसमें डाल देती हूँ तेल तेल भी मेरा गर्म हो चुका तो उसमें डाल देती हूँ दो तीन कली लहसुन और लहसुन को ब्राउन होने तक भून लेते हैं तो लहसुन जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो जिसमें डाल देते हैं एक कटी हुई बड़ा साइज का प्याज और प्याज को भी हल्का ब्राउन भून लेते हैं प्याज मेरा भून गया तो उसमें डाल देती हूँ दो तीन हरी कटी हुई मिर्च और इन सभी को अच्छे से भून लेते हैं तो सभी जो है अच्छे से भून गया है तो इसमें डाल देते थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ी सी डाल देते हैं खड़ा जीरा और इन सभी को अच्छे से चटकने दें तो सभी जो है अच्छे से भून गया है तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटी हुई तरोई को तो मैं सभी तरोई को डाल दी हूँ कढ़ाई में और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसके जो पानी है वो अच्छे चटकने ना लग जाए कड़छी से इस तरह से अलट पलट करते रहना है हमें तरोई को तब तक भूनना है जब तक कि इसकी पानी जो है अच्छे से ना सूख जाए तो इसको ढककर अच्छे से पका लेते हैं तो कुछ देर के बाद चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं सब्ज़ी में पानी छोड़ दिया है इसको अच्छे से पकाना है जब तक इसकी पानी सूख ना जाए ये सब्जी बनकर थोड़ी सी हो जाती है तो हम अब सब्जी अच्छे से भून गया तो इसमें ऐड करेंगे सभी मसाले को तो हम सबसे पहले डाल देते हैं हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और आधी चम्मच जीरा पाउडर और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और इन सभी मसाले को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मसाले को भी अच्छे से भून लेते हैं तो हम इसको अब मीडियम आँच में अच्छे से पका लेते हैं तो देख सकते हैं सब्जी जो है अच्छे से भून रहा है तो देख सकते हैं सब्जी का जो पानी है अच्छे से सूख रहा है और हल्का पानी सूख जाए तो हम इसमें डालेंगे टमाटर तो मैं दो बड़े साइज का टमाटर काट ली हूँ और सब्ज़ी में डाल देती हूँ तो मैं टमाटर को जो है सब्ज़ी में डाल दी हूँ और टमाटर में ही डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और टमाटर को सब्जी से ढककर अच्छे से पका लेती हूँ तो मैं इस तरह से टमाटर को सब्जी से अच्छे से ढक देती हूँ जो कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए तो मैं सब्ज़ी को थाली ढक कर अच्छे से और पका लेती हूँ तो कुछ देर के बाद थाली को निकाल लेती हूँ और सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ तो देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी अच्छे से पक रहा है और इसकी पानी जो है अच्छे से सूख रहा है तर रोई की सब्ज़ी में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तर रोई की सब्ज़ी बहुत ही पानी छोड़ता है तो देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर कितना मस्त आया है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है आप इसकी सब्ज़ी रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं दोनों में ही बहुत ही अच्छा लगता है तो देख सकते हैं हमारी तर्रोई की सूखी और स्वादिष्ट सब्जी बन के रेडी है तर्रोई की रेसिपी आप सबको कैसी लगी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद